यार एक कुलचा, एक अंडा चने और एक टायर्ड सी लस्सी। आज वर्किंग डे है लेकिन मैं आया हूँ यहाँ पे लाहौर में एक ढाबे के ऊपर नाश्ता करने, क्योंकि मैं डिज़ाइन दे चुका हूँ, नया नया मैंने डिज़ाइन दिया है और डिज़ाइन के बाद मेरा फ़ौरन दिल कर रहा है किसी ठंडी जगह पे जाने का। लिहाजा मैंने सबसे पहले अपने एक दोस्त को कॉल मिलाई लेकिन जॉब की मजबूरियों की वजह से साफ छुट्टी से इनकार हो गया। उसके बाद फिर मैंने एक और दोस्त को कॉल मिलाने की कोशिश की जिसने लास्ट टाइम मुझे कहा था यार अगली दफ़ा तूने मुझे ज़रूर साथ लेकर जाना, लेकिन वो भी बेचारा अपनी नौकरी बचाने के लिए छुट्टी मांगने की हिम्मत नहीं कर सका। एक तो ये कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करने वाले हमेशा पोटेंशियल और प्रमोशनों के लिए काम करते हैं। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना कोई इजी गोइंग लोगों के साथ ही प्लान बनाया जाए, लिहाजा मैंने दो बिजनेसमैन लोगों को कॉल की और एक उसको जो ऑलरेडी लीव्स के ऊपर था। तो जनाब तीन लोग फाइनल हो गए और इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको आगे रास्ते में बताता हूँ और मैं जा रहा हूँ आपको ब्राट। हाँ तो नाज़रीन प्लान हो गया फाइनल और अब मुझे करनी है पैकिंग। पैकिंग के लिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कुछ टिप्स देना चाहूँगा। टिप नंबर वन, ऑलवेज पैक लाइट। कोशिश करें कम से कम चीज़ें रखें लेकिन ज़रूरत की सब चीज़ें रखें। टिप नंबर टू, ऑलवेज टेक फोल्डेबल थिंग्स ताकि आपके बैग में कम से कम जगह ऑक्यूपाई हो। एंड टिप नंबर थ्री, ऑलवेज पैक फॉर एमरजेंसी नॉट फॉर फोटोशूट या बहुत ज़्यादा शर्ट्स। एंड टिप नंबर फोर दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी चीज़ें खुद लेकर जाएं, नेवर एवर रिलाई ऑन योर फ्रेंड कि यार वो मेरी चीज़ें ले आएगा मैं उसकी चीज़ यूज़ कर लूँगा, ये वाली अपनी चीज़ें अपने खुद लेकर जानी है। तो ये तो तीन टिप्स, अब चलते हैं बैग्स की पैकिंग की तरफ। तो पैकिंग के लिए मैंने अपनी सब चीज़ों को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है जिसमें सबसे पहले आते हैं बैग्स और डॉक्यूमेंट्स, फिर वियरेबल्स यानी कि कपड़े शपड़े, देन टॉयलेटरीज, फिर मेडिकल इमरजेंसी किट, उसके बाद ट्रैकिंग और कैंपिंग के इक्विपमेंट्स, देन फूड और ट्रैवल एसेंशियल्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और लास्ट में मेरे व्लॉगिंग इक्विपमेंट्स। तो सबसे पहली कैटेगरी में मैं रखता हूँ एक बड़ा 60-80 लीटर का बैकपैक, उसके बाद एक छोटा डे बैग और उनका रेन कवर, देन छोटी चीज़ें रखने के लिए वेस्ट बैग और एक खाली स्ट्रिंग्स वाला बैग, फिर यूज्ड कपड़े रखने के लिए एम्प्टी जिप बैग्स, कैश वॉलेट और उसमें अपना आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजनेस कार्ड्स और एटीएम कार्ड्स, बॉल पॉइंट या मार्कर। कपड़ों का वेट मैं कम से कम लेकर जाता हूँ जिसमें सिर्फ एक जीन्स, दो ट्राउजर्स, दो तीन टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, जिपर या विंड ब्रेकर, इनरवियर्स एंड सॉक्स, नेक एंड फेस कवर, पोर्टेबल स्लीव्स, स्मॉल टॉवल, पी कैप और विंटर कैप, सन ग्लासेस, स्लीपर्स एंड ट्रैकिंग चोकर्स। टॉयलेटरीज किट में मैं डालता हूँ टूथब्रश, पेस्ट, पेपरमिंट, स्मॉल शैम्पू, थोड़ा सा ऑयल, कॉम्ब, शेविंग रेजर एंड क्रीम, स्मॉल सोप और पेपर सोप, सीजर, नेल कटर, ईयर क्लीनर, सुई धागा, डिओड्रेंट और वेट एंड ड्राई टिश्यू पैक्स। सो मेडिकल और इमरजेंसी के लिए मैं रखता हूँ डिस्प्रीन, पैनाडोल, पेन किलर्स, एंटी मोशन एंड एंटी वॉमिट्स, इनो एंड ORS। इसके साथ पेन बाम्स, फेस क्रीम, सन ब्लॉक, इंसेक्ट रिपेलेंट और नी ब्रेस। माइनर बर्न्स या कट्स के लिए सनी प्लास्ट, बैंडेज, डॉक्टर टेप, ग्लू, सेफ्टी पिंस और एक छोटा सा कटर। और फिर लिस्ट स्टार्ट होती है ट्रैकिंग और कैंपिंग गैजेट्स की जिसमें सबसे मेन चीज़ है कैंप विद स्लीपिंग बैग एंड स्लीपिंग मैट, हाइजीन लाइनर, कैंपिंग शीट्स बांधने के लिए नायलॉन स्ट्रिंग्स, ट्रैकिंग पोल्स, फोल्डेबल वाटर बॉटल्स, एंटी कट ग्लव्स, टॉर्च लाइट, एंटी स्लिप ग्रिप्स फॉर शूज, हेडलाइट, लाइटर, वायर लॉक और विसल, मल्टीपल हुक्स फॉर हैंगिंग वाटर बॉटल्स, 2 लीटर वाला वाटर बैग, रेनकोट, फोल्डेबल ग्लास, मिनी अम्ब्रेला, एमरजेंसी ब्लैंकेट और डस्ट मास्क। ट्रैवल एसेंशियल्स और फूड में मैं रखता हूँ एक नेक पिलो विद आई मास्क एंड ईयर प्लग्स, टाइम पास के लिए कोई बुक या नावल, कॉफ़ी के 3-in-1 सैशेस,
noodles, dry fruits, ready to eat food, snacks, chocolate and bubble gums. और फिर बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, जिसमें सबसे पहले कैमरा और उसकी बैटरीज, सोलर पावर बैंक, ब्लूटूथ स्पीकर्स, मोबाइल और उसका वाटर कवर एंड चार्जर, एमरजेंसी के लिए एक मिनी नोकिया का पुराना मोबाइल, हैंड्स फ्री, रिस्ट वॉच, कार चार्जर, USBs, यूनिवर्सल ट्रैवल सॉकेट्स, DSLR का वाटरप्रूफ कवर और ये सब चीज़ें डालने के लिए एक ड्राई बैग। और इसके साथ मेरा एक्स्ट्रा व्लॉगिंग का सामान, जिसमें DSLR कैमरा, उसका चार्जर, माइक्रोफोन और ग्रिला ट्राइपॉड, ड्रोन और उसका रिमोट एंड एक्स्ट्रा बैटरीज, GoPro कैमरा के 3 मॉडल्स, 360 डिग्री कैमरा, मोबाइल होल्डर, एक्स्ट्रा बैटरीज ऑफ ऑल कैमराज और उनके सेपरेट चार्जर्स, स्टेबलाइजेशन गिम्बल, हेड माउंट ऑफ GoPro कैमराज, टाइम लैप्स रिवॉल्विंग माउंट विद सेल्फी स्टिक, मिनी ट्राइपॉड, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड्स ऑफ ऑल मोबाइल नेटवर्क्स, OTG डिवाइस और इन सब के लिए एक मल्टीपल चार्जिंग हब। पैकिंग हो गया डन, तो फिर अब निकलते हैं। तो नाज़रीन, तैयारी मैंने पूरी कर ली है और 10 दिन का तकरीबन ये एक हफ्ते का ट्रिप होगा कुमराट वैली का। फुल बैक पैकिंग टूर है, फुल टाइम कैंपिंग हम लोगों ने करनी है। रक्षा मैंने बुला लिया, चलें जनाब। देसी किस्म की बसें चलती हैं, देसी किस्म का थोड़ा सा अड्डा है। लाहौर से ये दीर की बस चलती है शाम 6 बजे और उसके बाद सुबह मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, मेरे ख्याल कितने बजे पहुँचती है। जनाब बैग शैग जो है वो हमने रख दिए हैं बस के नीचे। सादात दीर पहुँचा और तकरीबन 1600 रुपये का इसका टिकट है लाहौर से दीर तक का। दीर से हम जाएंगे थल और थल से फिर आगे हम जाएंगे कुमराट। तो ये जनाब मैंने इनसे कार्ड ले लिया है, सादात बस सर्विस है। इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी डिटेल डाल देता हूँ। अभी भी आपने इसकी बुकिंग करवानी हो दीर जाने के लिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके इनसे पहले अपनी सीट्स वगैरह बुक करवा सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा, इधर बताएं इधर बहुत गर्मी है और उधर क्या रात में ठंडा मौसम है। अच्छा, आप खाने का दिल नहीं करेगा, बैंगन अंदर और दम अंदर ही बाहर। तो जनाब इनके ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा आप कुमराट चले गए तो आपका वापस आने को दिल नहीं करेगा। देखते हैं जी अब भी उधर जाके क्या सीन मिलता है। उधर बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, हमने कैंपिंग करनी है, कैंपिंग हो जाएगी वहाँ बोलेंगे अपने वापस आने नहीं, वापस नहीं आना। यार ये एक्सपेक्टेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई करते जा रहे हैं कुमराट के। यानी कि तबाही है, तबाही। ये भाईजान ये हमारी सीट है, ज़रा ये वाली सीट दे देंगे आप। मेरा नाम फारूक है और मैं लाल भाई के साथ जा रहा हूँ ट्रिप पे। कोई डर भी लग रहा है लेकिन चलो, लाल भाई सुना काफ़ी एक्सपीरियंस है तो सीन कुछ गुड़ हो ही जाएगी। ये तो था जनाब फारूक और फारूक के साथ है अहमद नवी। कैंपिंग के लिए तो मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ लेकिन वो इलाका मेरा अपना ही है, खास ये मैं चतराज का हूँ। तो ये है फारूक, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और अहमद मैकेनिकल इंजीनियर, बट दे ऑल्सो लेफ्ट देयर कॉर्पोरेट जॉब लास्ट ईयर एंड स्टार्टेड अ लेदर एसेसरी ब्रांड Aerox. Check their amazing website. और आप सबके लिए 20% डिस्काउंट का कूपन मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। और मेरे साथ बैठा है इस टाइम आप जी एक कॉर्पोरेट इंजीनियर हैं। आज मैं इनको ऑफिस से निकाल के ले आया हूँ, बाकी बातें जरा बाद में जाके बताएंगे कि सीन है क्या। तो यूं चार इंजीनियर्स का टोला निकल पड़ा कुमराट की वादी को एक्सप्लोर करने। चार मिनट पहले बस चल चुकी है और टाइम हुआ है इस वक्त पूरे 6 बजे और इनके मुताबिक ये कहते हैं कि सुबह 5 से 5:30 बजे पहुंच जाती है, तो ऑलमोस्ट 11 से 12 घंटे लगेंगे हमें। ये अब एग्जैक्ट जाके पता चलेगा सुबह कि हम टाइम पे पहुंचते हैं या नहीं।
گئے ہیں اب درمیان میں دو گھنٹے کی بریک کے بعد، اور فرائی چکس ذرا ٹرائی کرنے لگے، ونگس کھاتے ہیں۔ ابھی تو صرف دو گھنٹے کا سفر گزرا ہے اور باقی سفر اب سو کر گزارنا ہے۔ آپ سے اب ملاقات ہوگی صبح تھل میں، لیکن اگلی ایپیسوڈ میں۔ ارے ہاں، جاتے جاتے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے یہ ٹریکنگ اینڈ کیمپنگ کی پریپریشن چیک لسٹ اپنی ویب سائٹ پہ بھی لگا دی ہے اور لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دیا ہے۔ تو آپ سٹارٹ کریں اپنے بیگ کی تیاری اور میں لگاؤں سونے۔ سی یو ان نیکسٹ ایپیسوڈ ان تھل۔